नमस्कार दोस्तों दोस्तों बॉलीवुड की से खबरें आना थम ही नहीं रही हैं और सबका ये क्वेश्चन है कि आर्यन खान को ही क्यों पकड़ा जा रहा है और क्यों उनको बेल नहीं मिल रही है। और शाहरुख खान के फैंस लगातार शाहरुख खान का सपोर्ट करने में है और बहुत सारे लोग जो है वो आर्यन खान और शाहरुख खान के लिए बातें भी बोल रहे हैं और कई लोगों के इस विषय पर दो मत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है कि आर्यन खान पर ही इतने अत्याचार जो है एनसीबी कर रही है और समीर वानखेड़े जो है क्यों जो है आर्यन खान के ही पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और क्यों इस मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा रहा है या ये मुद्दा राजनीतिक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो जितना फेमस होता है उसको उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और आर्यन खान के साथ जितने भी लोग एनसीबी ने पकड़े वो लोग भी इस समय जो है जेल के धक्के खा रहे हैं और उनकी कोई मीडिया कवरेज भी नहीं हो रही है। लेकिन आर्यन खान के शाहरुख खान के बेटे हैं इसलिए जब वो जेल से निकलते हैं जब उनके मां बाप मिलने जाते हैं कोई भी ऐसी घटना होती है उनके वकील से लेकर उनके ड्राइवर से लेकर उनके घर में कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं क्योंकि वहां पर भी बड़े बड़े लोग ही पहुंच रहे हैं और वो सारे फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और उनके भी बहुत सारे फैंस हैं इसलिए जो मीडिया है जितने भी चैनल्स हैं वो सब लोग उनको कवरेज दे रहे हैं क्योंकि जिनको लोग जानते हैं जो लोग फेमस होते हैं उनको ही दुनिया देखती है। जब वो लोग स्ट्रीट पर खड़े होकर कहीं अपना कुत्ता घुमाने भी जाते हैं तब भी लोग उसको तवज्जो देते हैं छोटी छोटी बातों को। जिम में जा रहे हैं योगा सेंटर जा रहे हैं तो भी उनकी कवरेज होती है। तो आज तो वो जेल में अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं उनके बच्चे जेल में हैं तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है तो उसको तो मीडिया कवरेज मिलनी ही है। तो इसलिए इस केस में आर्यन खान ही आर्यन खान नजर आ रहे हैं। एनसीबी आज से नहीं है पता नहीं कितने सालों से एनसीबी ये काम करती आ रही है कितने बड़े बड़े मुजरिम उन्होंने पकड़े हैं और समीर वानखेड़े ने जो कि अपनी जान जोखिम में डाल कर ये काम करते हैं। उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके पति कभी कभी जब घर आते हैं तो उनके पैंट पर जो है खून के दाग होते हैं उनकी शर्ट पर खून के दाग होते हैं और वो लोग उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते क्योंकि वो एक मिशन पर होते हैं हमेशा सीक्रेट उनका होता है क्योंकि बिना बताए उनको ये सब रेट करनी पड़ती है इसलिए अपने घर में भी नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं और कोई उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता और वो रोज अपने पति की जिंदगी की दुआएं मांगती है। इतना रिस्की उनका काम है और इतने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने के लिए भी बहुत बड़े दिल और जिगरे की जरूरत होती है क्योंकि ऐसा कर देने पर कितने ही गुंडे पीछे पड़ सकते हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं वो उनके नजरे रख रहे हैं और अभी हाल ही में सुनने में आया था कि उनके ऊपर जासूसी भी की जा रही है। तो समीर वानखेड़े पर क्वेश्चन करना और उन पर उंगली उठाना ये बहुत ही गलत बात है कि अगर हम अपने ऑफिसर्स पे भी यकीन नहीं रखेंगे तो जो लोग ईमानदार होते हैं उनका क्या होगा। क्योंकि इस केस को बीजेपी से भी जोड़ा जा रहा है और ये बोला जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान खान है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों को ये बता दी जाए कि आज से पहले सलमान खान पे भी इतने सारे केस चले और बीजेपी के रहते ही वो इन केसों से छूटे। इन चीजों से जो है सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होता है नेतागिरी का कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि पीठ पीछे सब लोग दोस्त ही होते हैं यहाँ किसी की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और देखा जाए तो मुंबई में जो है सरकार कांग्रेस शिवसेना और मिलीजुली सरकार है तो राज्य में तो राज्य की ही चलेगी वहाँ सेंटर तो वैसे भी दखल नहीं कर सकती है। अगर ऐसा होता तो ममता के बंगाल में जाकर के बीजेपी दखल करती वो वहाँ नहीं दखल कर सकी। बहुत सारी ऐसे स्टेट है जहाँ कांग्रेस की सरकार और बीजेपी सेंटर में होते हुए भी वहाँ दखल नहीं कर सकती है क्योंकि कुछ जो बात होती है वो राज्य के हाथों में होती है। योगी के जो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में योगी की चलती है आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं है केंद्र सरकार का क्योंकि अपने पर्सनल फैसले हैं और कोर्ट का अपना पर्सनल फैसला होता है। हाँ थोड़ी बहुत जो भी हर जगह होता है वो तो होता ही है लेकिन इतने बड़े स्तर पर किसी भी इतने बड़े आदमी को ऐसे नहीं फंसाया जा सकता। हाँ एक बार होने के नाते हम शाहरुख खान से संवेदना रखते हैं कि इस बुढ़ापे में उनको आकर अपने बच्चे के हाथों का शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बाकी ये सब उनका कल्चर भी हो सकता है क्योंकि कई घरों में आपने देखा होगा कि माँ बाप बच्चे का एंटरटेन करते हैं तो ड्रग्स भी ले सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री है कोई कुछ भी चलता है और वैसे भी सबको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो साइड बिजनेस है वो ड्रग्स ही है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में सब लोग नहीं करते हैं फिर भी इतना रईसी वाला जो है जीवन व्यतीत करते हैं क्या बिजनेस वो करते हैं
आपने देखा ही होगा होटल्स करते हैं, उसके अलावा होटल में क्या करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस है। और अब क्योंकि लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के दौरान इतना सब कुछ घपला हुआ है कि इनके जो काले कारनामे हैं वो अब सामने आ रहे हैं, और इनकी जो इज्जत जो कि इन्होंने ऐसे ही बनाई भी थी समाज की नजरों में, जो उससे पर्दा उठ गया और असली रूप इनके सामने आ गया है। जैसे कि आपने देखा अनन्या पांडे भी अब इसकी गिरफ्त में है, और बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर, इन सबके नाम भी बीच बीच में आ रहे हैं, और अनन्या पांडे की भी चैट सामने आई है आर्यन खान के साथ। तो धीरे धीरे तार जुड़ते जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में तो ये बच गए, लेकिन अब जो लंबे हाथों पकड़े गए, और यही कारण है कि समीर वानखेड़े और एनसीबी ने जिस समय सुशांत के जल्दीबाजी में हो गया था उस समय कुछ कदम नहीं उठा सके, लेकिन इस बार सब सबूतों के साथ उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश करी इन सब लोगों को, और पहले से प्लान बना हुआ था। तो हमको एनसीबी का सपोर्ट करना चाहिए, समीर वानखेड़े जैसे कर्मठ अधिकारी का सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे लोगों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। केवल एक एक्टर जिसकी फिल्म हम देखकर बड़े हुए हैं उसके चेहरे को देखते हुए हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि पर्दे के पीछे के हीरो समीर वानखेड़े का साथ देना चाहिए। आप इस बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।